दादरा नगर हवेली के लाइन सफारी में आए दो नए मेहमान। संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन में पर्यटकों के लिए लायन सफारी का आकर्षण बढ़ाने का प्रयास किया गया। दादरा नगर हवेली में जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का पब्लिक वॉइस एंड डे टू शेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि वन विभाग के चक्करबाग प्राणी संग्रहालय से अशोक नाम का एक शेर और राजकोट प्राणी संग्रहालय से मीरा नाम की एक मादा शेरनी को लाया गया है, जिसे आप लोग आज से दादरा नगर हवेली के बसोना में स्थित लायन सफारी में देख सकते हैं। यहां पर्यटकों को विशेष सुरक्षित वाहनों से सफारी की सैर करवाई जाएगी, जिससे शेरों को प्राकृतिक वातावरण में नजदीकी से देख सकेंगे और सफारी का आनंद ले सकेंगे। देखिए यह खबर और इसे आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और हम तक कोई भी खबर और विज्ञापन को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क करें। धन्यवाद। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ आर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल जी, वी हैव रिलीज्ड टू लायंस, वन लायन वन लायनेस। लायन का नाम अशोका है, लायनेस का नाम मीरा है। अशोका 5.5 वर्ष का है, मीरा 11 वर्ष की है और इन दोनों को हमने गुजरात सरकार से हमने लिया है। अशोका हैज़ कम फ्रॉम चक्करबर्ग जू राजकोट में जो वाइल्ड लाइफ का एरिया होगा। अब उसमें जो हमारे प्रदेश में आने वाले सैलानी हैं फॉर टूरिज़्म, फॉर हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो देखने आते हैं, उन सब के लिए लायन सफारी बिकम्स मोर मीनिंगफुल। पहले जहाँ सिर्फ एक लायनेस थी, अब 3 हो गए हैं, तो इट इज़ ऑल द मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ विन विन। सर, और भी हैज़ कम फ्रॉम राजकोट, तो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। अब हमारे इस वसोना लायन सफारी में पहले जहाँ एक लायन था, लायनेस थी गिरजा, अब हमारे 3 हो गए हैं, एक लायन मेल और 2 फीमेल। जो एनिमल्स हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल में, ये तीनों का डेली जो शेड्यूल है, इसको बफलो मीट दिया जाता है हम लोग, वो जो हम लोग अभी बॉम्बे से लेके आते हैं। एवरेज इनका कंजम्पशन 8 किलो का है पर डे पर एनिमल, और इसमें एक दिन फास्टिंग हम लोग रखते हैं मंडे का। बाकी फिर हमारे जो वेटनरी फैसिलिटीज़ है, उससे फिर हमारे डॉक्टर साहब भी है, विजय परमार जो हमारे वेटनरी डॉक्टर है, उनके थ्रू हम लोग इसका रेगुलर वैक्सीनेशन और जो भी अगर कुछ माइनर डिजीजेज कहीं दिख जाते हैं तो वी टेक केयर ऑफ दैट। अदर देन दैट कोई स्पेसिफिकली हम लोग खास कुछ ये नहीं है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है CZA के गाइडलाइंस में कि इनको क्या फीड देना होता है और क्या फ्रीक्वेंसी पे फीड देना। सफारी का जो ये इमीडिएट फैसिलिटी है, ये 20 हेक्टेयर के करीब है, ये डबल फेंस्ड है जैसे आप देख रहे हो, और डबल डोर का है, जैसे कि गाड़ी को अंदर जाने के लिए जो प्रोटेक्शन बेसिस के लिए, कि एक बार गाड़ी अंदर जाएगी तो दूसरा डोर बंद हो जाता है। और ये 2002 से चालू है ये फैसिलिटी, और हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जब भी थी, आज की डेट में ये 3 लायन ही है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी। और ये एक विशेष ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है हमारे तीनों लायन जो है प्योर ब्रेड है, हाइब्रिड लायंस नहीं है। और ये जो हम लोग, जैसे साहब ने बताया था कि हम लोग गुजरात से, माने प्राइमरी डिपेंडेंसीज ऑन गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग द एनिमल्स, और जो अपनी अशोक है जो है 5.5 ईयर्स का है, जो हम लोग चक्करबाग से लेके आए हैं, और दूसरा जो है मीरा, शी इज़ फ्रॉम राजकोट जू।